दोस्तों, जब हम रात के समय आसमान में देखते हैं तो हमें कई हजार तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, जिनमें से कुछ तो अधिक चमकीले होते हैं। और सुबह जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो एक तारा हमें एक जगह स्थिर मिलता है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा उत्तरी गोलार्ध पर स्थित एक बहुत ही उज्ज्वल तारा है। यह उत्तरी ध्रुव तारा होता है जो आसमान के उत्तरी छेद पर स्थित होता है। इसे उत्तरी ध्रुव तारा या फिर नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। दोस्तों, यह तो बात हो गई उत्तरी ध्रुव तारे की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दिनों जो चांद के नीचे सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा नजर आता है, वह क्या है और क्यों दिखाई देता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आजकल आप शाम होते ही पश्चिम में आसमान की ओर देखें तो आसमान में एक चमकदार तारा चमकता हुआ नजर आता है। उसकी स्थिर चमक साफ नजर आती है। ये भी नजर आता है कि ये तारा न केवल सबसे ज्यादा चमकदार है बल्कि बड़ा भी है। कई बार हैरान होते होंगे कि ये तारा कौन सा है जो इन दिनों इतना साफ होकर हमें नीले आकाश में नजर आ रहा है। ये तारा दरअसल शुक्र ग्रह है जो सबसे चमकदार माना जाता है। सूरज के ढलने के बाद पश्चिम में सबसे चमकदार और सबसे बड़ा दिखलाई देने वाला तारा शुक्र ग्रह ही है। उसे शाम का तारा भी कहा जाता है। क्योंकि आजकल वातावरण एकदम साफ है, लिहाजा शुक्र की चमक भी कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। चमक की दृष्टि से सूर्य तथा चंद्रमा के बाद अगर कोई ग्रह तारा या आकाशीय पिंड सबसे चमकदार है तो वो है शुक्र। अंधेरी रात में इसके प्रकाश के कारण वस्तुओं की हल्की छाया भी देखी जा सकती है। जिस प्रकार यह ग्रह शाम को सबसे पहले दिखाई देता है, उसी तरह सुबह पूर्व दिशा में सबसे बाद तक दिखाई देता है। इसे हम भोर का तारा भी कहते हैं। आदिकाल में लोग इसे शाम को पश्चिम और सुबह पूर्व में दिखाई पड़ने के कारण दो अलग ग्रह मानते थे, लेकिन वास्तव में ये एक ही तारा है। इसे तब दो अलग नाम भी दिए गए थे। ये नाम थे फास्फोरस तथा हेस्परस। बाद में गणितज्ञ पाइथागोरस ने 500 ईसा पूर्व ये पता लगाया कि ये दोनों तारे वास्तव में एक ही हैं। आप माने या ना माने, इसकी जबरदस्त चमक विशेष अवस्थाओं में इसे धूप के समय भी दिखाई देती है। शायद उसकी वजह यह भी है कि ये प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 40 करोड़ किलोमीटर है। अगर कोई 1000 किलोमीटर प्रति घंटे वाले किसी यान में भी चले तो शुक्र तक पहुंचने में उसे 4.5 साल लग जाएंगे। हमारी पृथ्वी और शुक्र में बहुत समानताएं हैं। शुक्र का व्यास लगभग 12000 किलोमीटर है, पृथ्वी का 12800 किलोमीटर है। शुक्र और पृथ्वी की मात्रा का अनुपात 4 और 5 का है। इसका घनत्व 5.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो पृथ्वी के घनत्व से थोड़ा ही कम है। इसका घूर्णन अक्ष अपनी कक्षा से 23 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि पृथ्वी की अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र हमारे जितने पास है और जितना सुंदर दिखाई देता है, उतना ही अधिक रहस्यमय भी है। इसलिए शुक्र के बारे में केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से भरा हुआ है। सूरज की गर्मी इसमें प्रवेश तो करती है लेकिन निकल नहीं सकती। इस तरह ये एक भट्टी का रूप ले लेती है। शुक्र की सतह का तापमान लगभग 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो शाम के समय चांद के नीचे तारा दिखाई देता है वो क्या है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।